भुजंग प्रयात बारह मात्रा का छंद देखा, एक और बारह मात्रा का छंद देखते हैं वंशस्थ। मैं हूं डॉक्टर हरि निवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। संस्कृत छंद पारिजातम में संस्कृत के छंदों की चर्चा भी कर रहा हूं, आगे चल के हिंदी के छंदों की भी चर्चा करूंगा, क्योंकि संस्कृत में अधिकतर वार्णिक और हिंदी में अधिकतर मात्रिक छंदों का प्रयोग हुआ है, तो उसको बाद में देखेंगे। अभी वार्णिक छंद चल रहे हैं। वंशस्थ जतो तु वंशस्थ मुदीरितम जरो वंशस्थ उदीरितम यत्र जतो जरो चा भवे। जहां जगण तगण जगण रगण चार गण हैं, भुजंग प्रयात में चारों यकार थे, यहां पहला जगण है, दूसरा तगण है और फिर जगण है और फिर रगण है। देखिए जगण तगण की युति छोटे छंदों में बहुत पाई जाती है, उपेंद्र वज्रा में भी है, इंद्र वज्रा में भी है, इसलिए स्वाभाविक है कि उपजाति में आ जाती है और यहाँ पे भी है। अंत में एक रगण आ गया है, वहाँ दो गुरु होते हैं ग्यारह मात्रा में। तो ये जगण तगण की युति जो है ये बोलने में पढ़ने में बड़ा आनंद देती है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि जगण में लघु गुरु लघु और तगण में गुरु गुरु लघु होता है, तो वो जो उसकी जो गति रहती है, जो उसको गाने का तरीका रहता है, वो बड़ा ही सुंदर रहता है। सुंदर छंद है जतो तु वंशस्थ मुदीरितम जरो भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमै नवाम्बुभिर दूर विलंबिनो गना अनुद्धता सत्पुरुषः समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम। तो भवन्ति में भा लघु है, वापर अनुस्वार है इसलिए वो गुरु है, ती ह्रस्व की मात्रा इसलिए लघु है, नम्रः में न जो है वो वैसे तो लघु है लेकिन आगे नम्र मा में रा जुड़ा हुआ है या रा में मा जुड़ा हुआ है, सही बात तो ये है मा आधा है रा पूरा है, तो नम्र म्र संयुक्त अक्षर बाद में इसलिए ना गुरु हो गया, नम्रह में विसर्ग है इसलिए मा गुरु हुआ, फिर तरवह में ता जो है लघु है रा लघु है वह विसर्ग है इसलिए गुरु है, फलोदगमय फा लघु है लो ओ की मात्रा इसलिए गुरु है, और गमय ही में ये संयुक्त अक्षर है, दा और गा मिला हुआ है लेकिन संयुक्त अक्षर स्वयं कभी गुरु नहीं होता है, वो गुरु तभी होगा अगर उसमें कोई मात्रा ऐसी है, तो इसमें कोई मात्रा ऐसी है नहीं, ये दीर्घ नहीं है इसलिए लघु है, और मैं ही अंतिम पद है इसलिए भी गुरु है, और आई की मात्रा है विसर्ग है सब कुछ, तो हर तरीके से वो गुरु है। तो भवन्ति नम्राः तरवः फलोद्गमैः, दूसरी पंक्ति भी यहाँ पे मैंने दी है, उसको भी अगर आप देखेंगे तो इसी प्रकार से लघु गुरु के निशान उसमें भी आप देख सकते हैं। बड़ा ही सुंदर श्लोक है, परोपकारियों के लक्षण कहे गए हैं कि जब वृक्षों पे फल आते हैं तो वृक्ष झुक जाते हैं, यानी फलों के लगने से वृक्ष कभी ऊंचे नहीं होते हैं। अगर समृद्धि ऐसे श्रेष्ठ लोगों के पास आती है तो उनके पास समृद्धि आने से वो थोड़े झुकते हैं, क्योंकि झुकेंगे तो लोग उसका लाभ ले पाएंगे, अगर वो बहुत ऊंचे हो जाएंगे बहुत अकड़ जाएंगे तो लोगों को उनकी समृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा। तो भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैः नवाम्बुभिर दूर विलंबिनो घना, जो बादल खाली होते हैं ना वो आकाश में बड़ी ऊंचाई पर उड़ते हैं, लेकिन जब वो पानी से भरे होते हैं तो थोड़ा नीचे उतर आते हैं, वो काफ़ी मतलब अगर आप पर्वतों पे जाएं तो आप बादलों के बीच में पहुंच जाते हैं, इतने नीचे वो लोग आ जाते हैं बादल, और वही बादल जब खाली होते हैं तो आकाश में बड़े ऊंचे उड़ते हैं, तो पानी से भरे हुए बादल भी नीचे झुक जाया करते हैं। नवाम्बुभिर दूर विलंबिनो घना अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धि भी, जो सत्पुरुष होते हैं उनको समृद्धि मिलने पे कभी भी वो अभिमान नहीं करते हैं, कभी उद्धत नहीं हुआ करते हैं, वो हमेशा लोगों की मदद करते हैं, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। स्वभाव एवैष परोपकारिणा, भाई जो भी परोपकारी लोग होते हैं उनका तो स्वभाव ही ऐसा होता है, चाहे परोपकारी वृक्षों की बात कीजिए, चाहे परोपकारी बादलों की बात कीजिए, या कोई श्रेष्ठ परोपकारी पुरुष की बात। बड़ा ही सुंदर नीति शतक का श्लोक है। नीति शतक
जो मेरी प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के तो आप बहुत सारे नीति शतक के सभी श्लोक 100 जितने श्लोक हैं देख सकते हैं। यहाँ पे भी एक सौभाग्य मिला कि आपके साथ इस श्लोक का थोड़ा अर्थ भी प्रकट किया, छंद तो आप देख चुके हैं। धन्यवाद, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में जरूर जाइए, यहाँ आपके लिए बहुत कुछ है। यहाँ रस है, छंद है, अलंकार है, कालिदास हैं, भास हैं, इतना कुछ है कि इतने कम समय में इतना सब कुछ कहीं अन्यत्र नहीं मिलेगा।